स्वागत है मेरे ब्लॉग तीर्थ ट्रैवलिंग ब्लॉग में। हम लोग जा रहे हैं श्रीखंड महादेव यात्रा करने के लिए 2024। दोस्तों ये यात्रा सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक होती है दोस्तों, और हम लोग जा रहे हैं यात्रा करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी वगैरह देंगे श्रीखंड महादेव यात्रा की। गाइस इस ब्लॉग में बने रहना दोस्तों, चलते हैं हम लोग श्रीखंड महादेव के लिए। गाइस जय बोले दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं श्रीखंड महादेव यात्रा करने के लिए। गाइस और हमारी जो ट्रेन आने वाली है ग्वालियर से, हम लोग जाएंगे आगरा, आगरा से चेंज करेंगे जो चंडीगढ़ के लिए जाएगी। दोस्तों इसका किराया पड़ा दोस्तों 210 रुपये किराया पड़ा एक बंदे का जनरल टिकट का। गाइस चलते हैं आगरा और जानकारी वगैरह देंगे। वहाँ से हमारी जो ट्रेन है 7:10 पे ट्रेन है जो चंडीगढ़ के लिए जाएगी। गाइस तो हम लोग पहुँच गए हैं आगरा स्टेशन। दोस्तों हम लोग आई ट्रेन आने वाली है, हम लोग जाकर ट्रेन में वेट कर रहे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी जो चंडीगढ़ के लिए जाएगी। गाइस और वो हमें जहाँ 7:10 पे पहुँचेगी दोस्तों यहाँ पे, और उतारेगी 3:30 बजे। गाइस ये हमारे विजय भाई है, साथ में यात्रा कर रहे हैं, यात्रा पहली बार करने जा रहे हैं श्रीखंड महादेव की, और फर्स्ट टाइम इनका ट्रेक है। जय बोले। मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़ स्टेशन। दोस्तों यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 43 और बस वगैरह वहाँ से पकड़ेंगे रामपुर के लिए। और देखो काफ़ी अच्छा स्टेशन है चंडीगढ़ का। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे चंडीगढ़ का स्टेशन है, काफ़ी सफाई वगैरह है। दोस्तों उस टाइम बज रहे हैं 4:00 दोस्तों, हमारे यहाँ बस चलना चालू होगी वहाँ से 5:00 बज रही है। हम लोग सेक्टर 43 पहुँच गए हैं दोस्तों, यहाँ से काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है दोस्तों, सबसे बड़ा बस स्टैंड है चंडीगढ़ का यहाँ का सेक्टर 43। और चलते दोस्तों गाँव के लिए, हम बस पकड़ेंगे यहाँ से, कितना किराया ले रही है दोस्तों सब पूरी जानकारी वगैरह। फाइनली गाइस चंडीगढ़ से रामपुर वाली बस मिल गई है दोस्तों, काफ़ी बस जाती है चंडीगढ़ से रामपुर के लिए। दोस्तों आपको रामपुर वाली बस में बैठना पड़ेगा दोस्तों, और किराए की बात करें 545 रुपये लगते हैं। दोस्तों आपको बस वाले से बोलना पड़ेगा आपको श्रीखंड महादेव छोड़ दे दोस्तों, रामपुर से पहले 3 किलोमीटर आपको पहले उतरना पड़ेगा और आपको बस वाले उतार देंगे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों श्रीखंड महादेव। जय बोले दोस्तों, हमारी जो बस चली थी 5:00 चली थी दोस्तों, इस टाइम हो रहा है 7:00 का टाइम हो रहा है दोस्तों। हमारा जो है 10 मिनट का यहाँ स्टॉप है दोस्तों, काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों, यहाँ पर कैंटीन वगैरह बनी है, आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, चाय वगैरह पी सकते हो। समय है हम शिमला में। गाइस आप देख रहे हो मेरे पीछे से शिमला का बस स्टैंड है दोस्तों, अब हमारे रामपुर के लिए बस जाएगी यहाँ से भी, हमें 3:00 दोस्तों, 3:00 हम लोग पहुँचेंगे दोस्तों। हम लोग 5:00 के चल रहे हैं गाइस, और बाबा की यात्रा काफ़ी कठिन है, और सफ़र बहुत लंबा सफ़र है, और कर रहे हैं बाबा की, और दर्शन वगैरह करेंगे बाबा के। और जय बोले दोस्तों, शिमला में है इस समय, आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है शिमला दोस्तों। यहाँ पे ठंड, अभी ठंड लग रही है गाइस, थोड़ी हल्की सी ठंड टाइप की है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे गर्मी से अब ठंड में आए हैं, और देखते हैं आगे कितनी ठंड होगी दोस्तों, अच्छा लग रहा है। जय बोले। अली दोस्तों हम लोग को देवठान की बस वगैरह मिल गई है दोस्तों, आपको रामपुर से काफ़ी बस वगैरह आती है जो देवठान के लिए जाती है दोस्तों। देवठान के आपको काफ़ी दर्शन करने जरूरी है, तब उसके बाद आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है दोस्तों। पवित्र गुफा आपको दिखाएंगे दोस्तों, ब्लॉग में बने रहना दोस्तों। आप देख रहे हो देवठान गुफा दोस्तों, देवठान गुफा के बारे में बताते हैं कि भस्मासुर भोले बाबा के पीछे भागा था, तब इस गुफा से सीधे बाबा श्रीखंड महादेव कैलाश पर्वत में चोटी के रूप में समा गए थे दोस्तों। इस गुफा के दर्शन करने काफ़ी जरूरी होता है, तब आपकी पूरी यात्रा मानी जाती है दोस्तों। और जैसे आप आ रहे हो तो देवठान गुफा के दर्शन करें, उसके बाद अपनी यात्रा पूरी होती है दोस्तों, और आपकी पूरी यात्रा मानी जाएगी दोस्तों। और हम लोग इस गुफा के दर्शन कर रहे हैं, और पपित गुफा है दोस्तों, इस गुफा में काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं, ऐसे गुफा से निकलना पड़ता है दोस्तों। जय बोले की। जय बोले। काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करने के, और हमारे दोस्तों लोगों ने सबने भी दर्शन कर लिए, सब लोग भी कह रहे हैं काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए बाबा के पवित्र गुफा के। गाइस हमारे देवढान के दर्शन हो गए दोस्तों, देवढान के दर्शन करने काफ़ी ज़रूरी होते हैं दोस्तों, हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ से जाँव विलेज के लिए बस पकड़ेंगे दोस्तों, जो यहाँ से जाँव विलेज के लिए काफ़ी बस जाती है दोस्तों, आपको किराया वगैरह बताएंगे जाँव विलेज के लिए। फाइनली गाइस हम लोग को बस मिल गई देवढान से जाँव विलेज के लिए दोस्तों, आप जाँव विलेज के लिए जाते हो दोस्तों, आपको किराया लगेगा 60 रुपये लगेगा एक बंदे का दोस्तों, तो आप लोग ये लोकल बस यूज़ कर सकते हो दोस्तों, इसकी टाइमिंग अलग अलग रहती है दोस्तों जाने की। दोस्तों हम लोग जाम विलेज पहुंच गए हैं, काफ़ी थक गए हैं दोस्तों, 2 दिन से चल रहे हैं, 24 घंटे हो गए हम लोगों को चलते हुए, और चलते हैं जाके कोई धर्मशाला वगैरह देखेंगे, या लॉज वगैरह देखेंगे, या कैंप देखेंगे, कितना किराया वगैरह है, इतना चार्ज वगैरह सब पूर्व बताएँगे दोस्तों। यहाँ भंडारे भी चल रहे हैं, फ्री सेवा है, और चलते हैं दोस्तों, और कल यात्रा चालू करेंगे गाइस हम, यहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा है, थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हमारे जाँव विलेज से हमने यात्रा चालू कर दिया, हम लोग जा रहे हैं सिंगार के लिए दोस्तों, वहीं हम टेंट में रुकेंगे दोस्तों, यहाँ टेंट कम है गाय, काफ़ी टेंट कम है दोस्तों, वहाँ पे बता रहे ज़्यादा टेंट वगैरह है, तो वहीं रुकेंगे दोस्तों। चलते हैं सिंगार के लिए, यहाँ से 2.5 किलोमीटर
सिंगार है, सिंगार, तो वहीं रुकेंगे दोस्तों। चलते हैं आनंद करते हुए, जय भोले की बोलते हुए। दोस्तों आप देख रहे हो ये सेब का बाग है, काफी हरे हरे सेब हैं और अच्छा लग रहा है। जय भोले। दोस्तों आप देख रहे हो सेब का बगीचा, ज्यादा लगे हैं सेब, काफी अच्छे सेब लगे हैं। अरे शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर संगीतारा ओम जय एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभासन साजे, ओम जय शिव ओम तारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज से सोए, बोले दस भुज से सोए, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओम तारा, अक्ष माला वन माला मुन्ने माला दारी, बोले त्रिपुरारी कंसारी, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम जय हर ओंकार, करके मादक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओम तारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अभिवेका, बोले जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर के माध्य, प्रणवाक्षर के माध्य, ये तीनों एक, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, आनंद फल पावे, महादेव की। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सलाम संतम प्रत्यारविंदे पदम वदामि सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। बोल श्रीगंड महादेव की जय। हर हर महादेव की जय।
गई दोस्तों, आरती वगैरह हो गई दोस्तों, अब लोग नाश्ते वगैरह यहाँ करेंगे दोस्तों। और आप जैसे भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी भंडारे वगैरह लगते हैं दोस्तों, यहाँ आप नाश्ते वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। और सुबह मॉर्निंग में हम यात्रा चालू करेंगे सुबह 6 बजे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में आपको और जानकारी वगैरह देंगे दोस्तों, ब्लॉग में बने रहना दोस्तों। जय भोले की।